समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या से नाराज शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या को सौंपा। वहीं कमलेश तिवारी के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग भी की। हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई किया जाए, उनके मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएं और मुकदमा लंबित न रखकर जल्द से निस्तारण किया जाए। वहीं शिवसेना के महानगर प्रमुख पंकज सिंह ने कहा कि जिस तरह से हिंदू नेताओं की हत्या खुलेआम हो रही है और हिंदू समाज का जो भी नेता अपने धर्म व समाज के हित की बात करता है, आगे रखने की कोशिश करता है, उसको विधर्मियों द्वारा मार दिया जाता है। लखनऊ जैसी राजधानी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्मम तरीके से हत्या यह दर्शाता है कि अपराधियों को कानून सरकार का कोई भय नहीं रह गया। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो फिर शिवसेना धरना प्रदर्शन व आंदोलन करेगी। कमलेश तिवारी की हत्या हुई है लखनऊ में, उसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हम लोग चाहते हैं कि उनके परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार सुरक्षा दी जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शिवसेना सड़क पर खड़ी होगी, फिर आंदोलन के लिए करने के लिए बाध्य होगी। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो विज्ञापन है उसे राज्यपाल तक पहुंचा दिया जाएगा।